हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज सीए रजत अग्रवाल। आज हम डिस्कस करने वाले हैं सीए फाइनल ग्रुप वन नवंबर 2018 अटेम्प्ट में जो आपका पेपर आने वाला है उसका टाइम टेबल, उसका रिवीजन स्ट्रेटेजी कैसा क्या रहेगा, क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, ये सारी बातों को हम डिस्कस करेंगे। कैसे रिवाइज करा जाएगा ये भी आपको हम बताएंगे। अब उसके बाद हम पढ़े कैसे, कैसे हम अपने कोर्स को बांटें और कैसे ये चार सब्जेक्ट्स को कवर अप करें कम्प्लीटली अच्छे तरीके से, जिससे कि हम इस अटेम्प्ट में ही इस बार क्लियर कर लें। तो देखिए, आपको सबसे पहले ये समझना होगा कि हम जो पैटर्न फॉलो करने वाले हैं वो करने वाले हैं साइकिल्स का। हम टोटल 8 साइकिल्स में कोर्स को कवर अप करेंगे। तो ये जो 8 साइकिल रहेगा यही आपका डिसाइड करेगा कि आपका कोर्स कैसे कम्प्लीट होगा। सबसे पहला जो साइकिल रहेगा वो 8 डेज का रहेगा, फिर 5 डेज, 3 डेज, 2 डेज और फिर लास्ट में 1 डेज की। देखिए ये साइकिल आखिर है क्या, मैं अभी आपको समझा देता हूँ। आपको एग्जाम देना है, एग्जाम के पहले एक दिन मिलता है पूरा कोर्स रिवाइज करने के लिए। तो पूरे कोर्स को समराइज करके एक दिन में कवर अप कर पाना बहुत ही मुश्किल हो जाता है और इसकी हमारी प्रैक्टिस भी नहीं रहती है। सीधा एग्जाम के पहले दिन ये हमें करने का मौका मिलता है, तो इसलिए हम वहां पे उतना पूरा कवर अप नहीं कर पाते और हमें बहुत कंफ्यूजन हो जाता है और आधा कुछ कुछ हमें सिलेक्टिव स्टडी करनी पड़ जाती है। इसलिए हम क्या करेंगे कि पहले से ऐसा हमारा माइंडसेट कर लेंगे कि हम एक दिन में प्रिपेयर कर सके। उसके लिए हमें अभी से, आज से ही कोशिश चालू करनी पड़ेगी। उसके लिए हम क्या करेंगे कि हम पूरे कोर्स को सम अप करने की कोशिश करेंगे कम कम करते हुए दिनों में। पहले 8 दिन में हम कोशिश करेंगे कि पूरे सब्जेक्ट को कंप्लीट कर लें, उसके बाद 5 दिनों में कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे, फिर 3 दिन में, फिर 2 दिन में और फिर 1 दिन में फाइनल जो आपको स्टेज अचीव करना है। उसके लिए देखिए, सबसे पहले 8 डेज का हमारा कॉम्बो रहेगा। 8 डेज के प्लान में हमारा 8 डेज हमें सिर्फ अकाउंट्स करना है, फिर 8 डेज एसएफएम फाइनेंशियल मैनेजमेंट, उसके बाद लॉ और उसके बाद ऑडिट। सिक्वेंस भी वही फॉलो करना है जो एग्जाम में फॉलो कर एग्जाम का रहेगा, क्योंकि हमारा माइंड सेट पूरा वैसा प्रिपेयर हो जाना चाहिए। इसके बाद हमें ये पढ़ना है, ठीक है। इस और ये सीक्वेंस भी बहुत अच्छा है, क्योंकि लॉ और ऑडिट, लॉ के बाद ऑडिट पढ़ना इसलिए भी अच्छा है क्योंकि ऑडिट्स के काफी सारे चैप्टर्स उससे सिमिलर है लॉ से, तो ये काफी उसमें हेल्प मिलती है। इसलिए ये सीक्वेंस को वही रखते हैं जो एग्जाम में हमें फॉलो करना है। उसके लिए अभी देख लीजिए, अभी आपका 8 डेज का एक सीक्वेंस हो गया, फर्स्ट साइकिल 8 डेज का ये आपका खत्म हो रहा है। देखिए 8 डेज का जो सीक्वेंस जुलाई 28 से चालू हुआ, ये आपका चला 28 अगस्त तक, ठीक है, ऑलमोस्ट पूरा मंथ ये चलेगा आपका। उसके बाद ये आपका चालू होगा 5 डेज वाला। 5 डेज वाला चालू हुआ अगस्त के एंड से चालू हुआ, 29 अगस्त से चालू हुआ और ये आपका 5 डेज वाला खत्म हुआ 10 सितंबर तक। उसके बाद 3 डेज वाला चला, 3 डेज वाला 11 सितंबर से चालू हुआ और ये आपका चला 22 सितंबर तक। और उसके बाद फिर 2 डेज वाले चालू हुए। 2 डेज वाले हम 4 रिविजन करेंगे, 4th साइकिल, 5th साइकल, 6th साइकल और 7th साइकल, 4 रिवीजन 2 डेज वाले होंगे। हर 2-2 दिन में स्विच करना है सब्जेक्ट और उस 2 दिन में कंप्लीट करने की कोशिश करनी है पूरे सिलेबस को, तब हम हमारा माइंडसेट प्रिपेयर हो पाएगा कि हम एक दिन में प्रिपेयर कर सकें। और उसके लिए एक प्रैक्टिस लास्ट जो 8th साइकिल रहेगा वो 1 डे वाला भी साइकिल हमें करना है, उसके बाद ही हम रेडी हो पाएंगे एग्जाम के लिए। एग्जाम 1 डे वाला साइकिल आपका जो रहेगा वो लास्ट 25th अक्टूबर से रहेगा, 25th, 26th, 27th, 28th, ये चारों दिन चारों सब्जेक्ट रिवाइज किए जाएंगे। और फिर 29, 30, 31 तीन दिन अकाउंट्स के लिए दिए जा रहे हैं, जो फर्स्ट पेपर अकाउंट्स है, तो उस समय आप थोड़ा दो दिन एक्स्ट्रा ले लीजिए जिसमें कि आप अच्छे से प्रैक्टिस कर सके, तो इसके लिए 3 दिन आपके अकाउंट्स के लिए हो गए। तो ये तो था कि आपका टाइम टेबल, आप ये डाउनलोड कर सकते हैं, लिंक रहेगी वीडियो के नीचे, आप उससे इसको डाउनलोड कर सकते हैं और ये टाइम टेबल फॉलो कर सकते हैं। ये तो रही अभी तक कि हमें किस दिन क्या क्या पढ़ना है, अब हमें कैसे पढ़ना है उसकी बात करते हैं। तो देखिए अभी तक क्या हो रहा है, अकाउंट्स, अगर मैं बोलूं कि अगर आपका सिलेबस अभी कंप्लीट, कोचिंग्स अगर कंप्लीट नहीं हुई है तो आप घबराइए मत, आपके पास जो दिन है कंप्लीट करने के लिए वो ये वाला पूरा मंथ है जिसमें कि आप कंप्लीट कर सकते हैं। उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, अगर आपकी कोई सी भी कोचिंग बची हुई है तो किसी दूसरे सब्जेक्ट को सब्स्टिट्यूट ले लीजिए जिसका आपका कंप्लीट हो चुका है, उसके दिन कम कर दीजिए, इसके दिन बढ़ा दीजिए। इस तरीके से आप कम ज्यादा करके मैनेज कर सकते हैं। और आपको कंप्लीट कब तक करना है, अगर आपकी कोई भी कोचिंग नहीं हुई है तो आपको फर्स्ट और सेकंड साइकिल में कंप्लीट करना है। अगर आपकी कोचिंग्स हो चुकी है तो आपके लिए, अगर रिवीजन टाइम है तो ये बहुत ही अच्छा है, क्योंकि 8 दिन आपको बहुत सफिशिएंट टाइम मिल रहा है रिवाइज करने के लिए फर्स्ट साइकिल पे।
तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा अगर आपकी कोचिंग्स हो चुकी है तो आप सीधा रिविजन चालू कर सकते हैं, और सीधा रिविजन में 8 डेज, 5 डेज और 3 डेज, 2 डेज वाले सारे रिविजन चालू हो जाएंगे आपके। तो नंबर ऑफ रिविजन कितने होंगे अगर आपके, अगर इसे फॉलो करेंगे तो 8 टाइम्स आपके रिविजन होगा हर एक चीज का। अब 8 टाइम्स करने के लिए आपको उतनी एफिशिएंसी चाहिए, और एफिशिएंसी यहाँ पे वो नहीं कि एकदम हार्ड वर्क करे जा रहे हैं, बस मेहनत ही मेहनत कर रहे हैं और उसका कुछ आउटपुट नहीं निकल पा रहा है। तो उस आउटपुट को निकालने के लिए मैं आपको कुछ टेक्निक्स बताऊंगा जो आपको फॉलो करने हैं। देखिए, हम चालू करते हैं सबसे पहले अकाउंट्स, सबसे पहले अकाउंट से चालू करते हैं। अकाउंट्स में हमें कैसे क्या पढ़ना है, आपको कुछ कुछ टिप्स दूंगा जो आप फॉलो कर सकते हैं। आप कोई भी टीचर से पढ़े हो उस, आप उनको फॉलो करिए, उनकी बुक्स वगैरह जो भी मेंटेन कर रहे हैं, जो भी प्रैक्टिस कर रहे हैं वो करिए, बट प्रैक्टिस मैनुअल जरूर करिएगा। प्रैक्टिस मैनुअल को करने के तरीके कैसे होंगे, कैसे हमें फॉलो करना है, सब चीज मैं अभी आपको बताता हूँ। देखिए, सबसे पहले तो आप क्या करिए, जितने भी आपके जो कॉन्सेप्ट्स आपके टीचर्स ने समझाए हैं उस कॉन्सेप्ट्स का आप एक रिविजन ऑडियो क्रिएट कर लीजिए। जैसे मान लीजिए वैल्यूएशन चैप्टर है, तो वैल्यूएशन के जितने भी नए नए कॉन्सेप्ट्स सर ने नोट डाउन करवाए होंगे आपको, तो वो सारे कॉन्सेप्ट्स को आप अपने खुद के वॉइस पे अपने मोबाइल में रिकॉर्डर ऑन करिए, रिकॉर्डर में चालू करिए कि पहले कॉन्सेप्ट बताइए, उसका कैसे हमें एडजस्टमेंट करना है, क्या उसका मतलब होता है वो बताइए, नेक्स्ट में स्विच करें, ऐसे इस तरीके से जितने एडजस्टमेंट आपको बताए गए हैं सबका आप एक रिविजन ऑडियो क्रिएट कर लीजिए। उसकी टेंशन मत लीजिए कि 1 घंटे का बन रहा है कि 2 घंटे का बन रहा है, आप बस उसको रिकॉर्ड करते जाइए। ये हो गया आपका कंप्लीट एक चैप्टर का समरी रहेगा जिसमें कि सारे एडजस्टमेंट्स कवर होंगे। जब भी आप प्रैक्टिस करने बैठे सबसे पहले उस चैप्टर की ये समरी सुनना ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा, क्योंकि आपके लिए पूरा कवरेज मिल जाएगा आपको विद इन एन आवर, आपको विद इन एन आवर सारे एडजस्टमेंट की समरी मिल जाएगी। अब ये समरी बनाने का काम आपको इन 8 दिनों में करना है। ये जो फर्स्ट साइकिल रहेगा, फर्स्ट साइकिल हमारी तैयारी के लिए है कि हम उस 1 दिन को कैसे कवर अप कर सकेंगे सारा सिलेबस उस 1 दिन में, उसके लिए हम तैयारी कर रहे हैं। एग्जाम की टेंशन छोड़ दीजिए, आपको पूरी जो फोकस करना है वो उस 1 दिन पे फोकस करना है। अगर उस 1 दिन में आपने 100% कवरेज कर लिया मतलब आपका एग्जाम अच्छा ही जाएगा, आप उसके लिए श्योर हो जाइए। तो अभी यहाँ पे हम कोशिश चालू करते हैं। अभी देखिए, एक तो हो गया कि ऑडियो आपको क्रिएट कर लिए, अब इस ऑडियो के बाद आपको एक जो प्रॉब्लम आती है कि प्रैक्टिस, जो हम क्वेश्चन नंबर ऑफ प्रैक्टिस करते हैं वो कम हो जाते हैं, वो इतने ज्यादा इफेक्टिवली कर नहीं पाते, उसके लिए मैं आपको एक टेक्निक बताता हूँ। आप क्या करिए, जैसे कंसोलिडेशन, तो कंसोलिडेशन का एक फिक्स फॉर्मेट है, तो वो फिक्स जो फॉर्मेट है, जैसे बैलेंस शीट आ रही है उसके बाद जो भी आपका वर्किंग नोट 1, 2, 3 जो भी आ रहा है उसका जो आप टेबल बार बार बनाते हैं, वो बार बार बनाने की जगह अगर आप स्मार्ट स्टडी करें तो एक बार टेबल बनाए और उसको हमेशा यूज कर सकते हैं उस टेबल को। तो आप कैसे करेंगे, एक ब्लैंक पेपर लीजिए, ब्लैंक पेपर्स में आप क्या करिए कि पूरा फॉर्मेट ड्रॉ कर लीजिए। फॉर्मेट्स पूरा ड्रॉ करने के बाद आप उसकी फोटोकॉपीज करवा लीजिए और उसकी एक बुक बना लीजिए, तो ये एक बंडल बन जाएगा आपका। एक जो कॉपी बन गई वो पूरी कंसोलिडेशन के नाम की एक कॉपी बन गई जिसमें कि सिर्फ ब्लैंक्स फॉर्मेट है पूरी कॉपी भर के। अब क्या करिए, आप अपना प्रैक्टिस मैनुअल उठाइए और सीधा वो क्वेश्चन को सॉल्व करना चालू करिए। अब ये जो सॉल्व कर रहे हैं साथ में रिकॉर्डर भी ऑन करिएगा, रिकॉर्डर ऑन रखिए, जैसे ही क्वेश्चन कंप्लीट होता है रिकॉर्डर को ऑन करके उसमें क्या क्या एडजस्टमेंट हुए सब 2 मिनट में रिकॉर्ड कर दीजिए और फिर रिकॉर्डर को पॉज कर दीजिए, फिर दूसरा क्वेश्चन सॉल्व कर लीजिए। इस तरीके से करेंगे तो आपका प्रैक्टिस मैनुअल जो कंसोलिडेशन चैप्टर है, जो आपका प्रैक्टिस मैनुअल रहेगा, वो हार्डली आपका विद इन अ डे आपका पूरा कंप्लीट होके, रिकॉर्ड होके, रिवाइज होके, सब चीज कंप्लीट आपके पास पैकेज तैयार हो जाएगा। और वो पैकेज ऐसा रहेगा कि एग्जाम के पहले दिन आप हर एक क्वेश्चन को रिवाइज करके जा सकते हैं, हर एक क्वेश्चन को, और उसके लिए आपको ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, विद इन एन आवर आप पूरा चैप्टर कवर अप कर लेंगे एग्जाम के पहले दिन। तो ये स्ट्रेटेजी आपको फॉलो करनी है, ऐसे हर चैप्टर्स में हर चीज में आपको फॉलो करनी है जिससे कि आपकी जो स्पीड है वो बहुत ही स्पीड हो जाए, बूस्ट अप हो जाए। अब देखिए, अब ये तो हो गया आपका अकाउंट्स का, आपको कैसे क्या करना था, आपने इसके लिए रिवीजन के लिए आपने पूरा तैयारी करके रखी हो। मैं आपको दिखा देता हूं कि कैसे होता है। जैसे देखिए अकाउंट्स, तो अकाउंट्स में मैंने इस तरीके से कुछ चैप्टर्स की रिकॉर्डिंग कर रखा था, और आप जिसका चाहे जो आपको हार्ड पड़ता है उसकी आप कर सकते हैं। इसी तरीके से अकाउंटिंग स्टैंडर्ड की भी आपको रिकॉर्डिंग करनी है। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कंप्लीट जो जो आपको समझाए हैं पहले उसको पूरा कंप्लीट रिकॉर्डिंग कर लीजिए। जैसे आप अगर प्रवीण सर से पढ़े, सार्थक सर से पढ़े, किसी से भी अगर पढ़े हैं तो वो पहले आपको नोट्स लिखवाते हैं, सारे एडजस्टमेंट्स क्या क्या होने वाले वो लिखवाते हैं, तो उसको जब आप पढ़ रहे हो उसी समय आप उसकी जो मीनिंग है वो रिकॉर्ड करके रख लो, क्योंकि ये सब चीजों में आपको टाइम वेस्ट नहीं करना है दोबारा पढ़ने में।
अगर आपके अगर कोचिंग्स भी अगर अभी चल रही है तो कोचिंग के साथ साथ भी आप कर सकते हो, रिकॉर्ड करके रख लीजिए, बाद में आपको ये मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। और क्वेश्चंस जैसे आप सॉल्व कर रहे हो तो हाथ रिकॉर्ड कर लो, उसके बाद दोबारा वो क्वेश्चन सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। नहीं तो कई कई लोग क्या करते हैं कि हमें वो ये सोचते हैं कि एग्जाम में आएगा, हम वैसा सोच के सॉल्व करते हैं, पर वो क्वेश्चन तो तुम ऑलरेडी सॉल्व कर चुके हो, तो उसमें इतना दिमाग क्यों लगा रहे हो, उसको डायरेक्टली रिवाइज कर लो। अगर दिमाग लगाना ही है तो और नए क्वेश्चंस में दिमाग लगा दो, ये फॉलो करना रहेगा। अब आते हैं हम अकाउंट्स के बाद एसएफएम में। देखिए एसएफएम में आपकी जो फैकल्टीज ने आपको पढ़ाया है, जो क्वेश्चंस कराए हैं, वो सब तो ठीक है, बट प्रैक्टिस मैनुअल इज द मस्ट। प्रैक्टिस मैनुअल के लिए वही बात रहेगी कि आपको सारे क्वेश्चंस की समरी एक बनानी है, उसके अलावा आपको एक फॉर्मूला कॉपी बनानी है। अब ये फॉर्मूला कॉपी का जो आपका चार्ट रहेगा, अगर आपको हेल्प लेनी है, अगर उसमें भी आप ज्यादा दिमाग नहीं लगाना चाहते, सीधा सीधा बना हुआ पाना चाहते हैं, तो आप YouTube में जा सकते हैं। YouTube में कई लोगों के लेक्चर्स अपलोडेड है। जैसे अगर आप देखें तो मयंक कोठारी सर के लेक्चर्स है, पहले उन्होंने ऑडियो नोट्स भी डाले थे, अगर आपको किसी के थ्रू मिल सके तो वो आप ले सकते हैं, तो पूरे समरी आपको मिल जाएंगे उसमें, और उनके क्वेश्चंस भी है, उनके चार्ट्स भी आते हैं, तो आप उनके चार्ट्स भी परचेस कर सकते हैं, या फिर आप उनके चार्ट्स के वीडियो जो देख के खुद की चार्ट नोट्स बना सकते हैं। तो आप क्या करिए, मैंने तो वैसे ही किया था, मैंने एक कॉपी में कंप्लीट पूरा एक चार्ट क्रिएट किया था, जिसमें कि पूरे सारे चैप्टर्स के जितने फॉर्मूले हैं पूरे लिखे थे, जितने एडजस्टमेंट्स हैं सब मैंने लिख लिया था उस कॉपी में, और वो मुझे बहुत ही हेल्पफुल रही थी। तो आप उसके लिए क्या कर सकते हैं, यहाँ पे मयंक सर का मैंने आपको बताया कि आप ये रिविजन ऑडियोज ले सकते हैं, और प्लस आप उनके जो क्वेश्चन है, जो थोड़े ट्रिकी क्वेश्चन रहते हैं, उनके वो वीडियोज बना के डाल रखे हैं, तो आप प्रैक्टिस के लिए, फ्लो में आने के लिए उनके वीडियोज देख देख के प्रैक्टिस कर सकते हैं। उसके बाद संजय सर के एग्जाम के एनालिसिस आपको मिलेंगे यूट्यूब में, तो वो आप क्या करिए, वो आप देखिए, उससे आपको ये फायदा होगा कि जितने भी एग्जाम के जितने क्वेश्चंस आए हुए हैं जो पास्ट कुछ अटेम्प्ट्स के, वो सारे आपके बहुत स्पीड में प्रैक्टिस हो जाएंगे। आप खुद से करेंगे उससे बेटर है कि सर आपको जो करवाएंगे तो आपकी स्पीड उससे और बढ़ जाएगी, तो आप कोशिश करें कि वो देखें, ताकि उनको और क्या गलतियां होती है वो भी आपको पता चलेगी। उसके बाद तरुण महाजन सर भी बहुत फेमस है, उनके भी नोट्स है जो वो बहुत मार्केट में चलते हैं, उनके रिविजन ऑडियोज भी है, वो भी आप कहीं से अगर मिल रहे हैं तो आप देख सकते हैं, जिसमें जिसके थ्रू आप रिवाइज बहुत फास्ट कर सकते हैं एसएफएम को। तो एसएफएम में ये सारी चीजें हैं जो जिन लोगों की आप मदद ले सकते हैं, मार्केट में अवेलेबल है, आप उनका यूज करिए, और ताकि आपके एग्जाम में आप एक्सेल कर सके, और आप जितने भी एग्जाम के क्वेश्चन आपको करना ही है फॉलो, मतलब एग्जाम के क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के लिए आप वीडियोज देख के डायरेक्टली कर सकते हैं। आरटीपी भी सॉल्व करवाते हैं सर यूट्यूब में, तो यूट्यूब में आप आरटीपी भी सर्च करेंगे तो कंप्लीट आरटीपी सॉल्व करी हुई मिल जाएगी, मयंक सर की भी डली हुई है, तो आप वो कंप्लीट आरटीपी उसी को देखते हुए सॉल्व करिए वीडियो को, तो आपकी जो स्पीड रहेगी वो बहुत फास्ट होगी। ठीक है, अब देखते हैं, ये तो था एसएफएम के लिए आपको क्या क्या करना है। देखिए एसएफएम की थ्योरी में ज्यादा टाइम वेस्ट मत करिएगा, एसएफएम की थ्योरी के लिए किसी की भी कोई भी फैकल्टीज के थ्योरी के कुछ क्वेश्चंस के नोट्स आते हैं, आप उनको देख लीजिए, वो इनफ रहते हैं, क्योंकि वो आपके जो क्वेश्चंस रहेंगे वो लास्ट सेवेंथ रहता है, उसमें ज्यादा मार्क्स नहीं मिलते, तो आप क्या करें कि अभी प्रैक्टिकल में पहले फोकस करें, उसके बाद आप थ्योरी में शिफ्ट करना। ये तो था अकाउंट्स और एसएफएम। अब आते हैं हम लॉ में, सॉरी ऑडिट में। देखिए अब ऑडिट जो सब्जेक्ट है, अब ऑडिट बहुत दिक्कत देता है, थोड़ा हार्ड माना जाता है, इसमें बहुत ज्यादा आपको याद करने की जरूरत है, और मैं बोलूँ तो इसमें कुल मिला के आपको बहुत कुछ रटना है, समझना तो है ही, समझना तो बहुत इंपॉर्टेंट है, और वो इनफैक्ट जब भी आप क्लासेस करते हैं, जब कुछ होता है तो हर बच्चे को समझ में तो आ ही जाता है, पर जो इसमें दिक्कत आता है वो ये रहता है कि अब हर बच्चे को याद नहीं होता है, तो जो याद नहीं होता है उसके लिए हमें यहाँ पे कुछ चीजें फॉलो करनी होगी, जिससे कि हम उस चीजों को याद कर सकें। सबसे पहले तो ऑडिट में मैं आपको बताऊं, जो एसेज है वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, तो एसेज को बहुत अच्छे से हमें सब कुछ याद करना है। अगर आपको समझ में नहीं आता है तो उसके लिए मैं आपको एक तरीका बता रहा हूँ कि आपको कैसे आप पूरा बहुत अच्छे से समझ सकते हैं, जो हमें इंस्टीट्यूट खुद वो तरीका प्रोवाइड कर रही है। उसके लिए आप जा सकते हैं वेबसाइट icai.org, जो आपकी इंस्टीट्यूट की वेबसाइट है, उसमें जब आप जाएंगे तो आप स्टूडेंट सेक्शन में एग्जाम BOS नॉलेज पोर्टल पे जाइए। इस नॉलेज पोर्टल में देखिए आपके पास, अगर मैं अभी ओल्ड स्कीम का देख रहा हूँ, वैसे तो न्यू स्कीम में भी सेम है ऑलमोस्ट चैप्टर्स, तो आप यहाँ से यही चीज फॉलो कर सकते हैं ओल्ड के थ्रू, आपको नए खोलने की जरूरत नहीं है, आप ओल्ड में जाइएगा, ओल्ड में जाइए फाइनल कोर्स में। फाइनल कोर्स में आपको यहाँ पे दिखेगा एडवांस ऑडिटिंग एंड प्रोफेशनल एथिक्स, इसमें आप जाइए स्टडी मटीरियल प्रैक्टिस मैनुअल
और जो पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन वाली। अब यहाँ पे आप ओल्ड एडिशन में ही जाइए क्योंकि ऑलमोस्ट सेम ही है। अब ऐसे इसमें कुछ चेंजेस आता नहीं जाता, आपको जो आता रहेगा वो अलग से अमेंडमेंट में आप देख सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे आपको मिलेंगे ये पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन और उसके पॉडकास्ट। ये चीज अलग से वेबसाइट के थ्रू भी अवेलेबल है इंस्टीट्यूट की, जिसमें कि ये डायरेक्टली देख सकते हैं, एक फ्लैश प्लेयर में ये चलता है इंस्टीट्यूट की वेबसाइट में। बट उससे बेटर है कि आप इसको डाउनलोड कर लें। इससे ये फायदा होगा, क्या होता है कि जो इंस्टीट्यूट की जो फैकल्टीज के जो लेक्चर्स है वो कभी कभार बहुत स्लो हो जाते हैं, तो बच्चे बहुत बोर होते हैं कि ये लेक्चर्स को देखने में। तो उसके लिए यहाँ पे आपके लिए ये फायदा रहेगा, अगर आप इसको डाउनलोड कर लेंगे तो ये डाउनलोड होने के बाद आप जब VLC में चलाएंगे तो इसकी आप स्पीड डबल करके सुन सकते हैं और साथ में उसकी PPTs को आप चला सकते हैं। तो स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग के लिए मैं आपको बताऊंगा कि आप इसी को ही फॉलो करें, क्योंकि ये जो यहाँ पे जो डला हुआ है स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग के प्रेजेंटेशन और ऑडियोज, ये बहुत ही अच्छे डले हुए हैं। मैं स्पेसिफिक इस चैप्टर के लिए बोल रहा हूँ, जितने भी स्टैंडर्ड्स के लिए। और प्लस इसमें आपको दो चीज आपको फॉलो करनी है, एक तो स्टैंडर्ड्स और दूसरा है एथिक्स। एथिक्स का प्रेजेंटेशन और ऑडियो बहुत अच्छा डला हुआ है, तो आप एथिक्स का भी इसी से ही फॉलो करिए, इसी से ही पढ़िए। आप डबल स्पीड में देखेंगे एथिक्स हार्डली आपको 1 आवर में कंप्लीट हो जाएगा, कंप्लीट एथिक्स। इनफैक्ट एथिक्स में बच्चे सिर्फ क्लॉज में ध्यान देते हैं, आपको इसमें जनरल काउंसिल गाइडलाइंस भी हो जाएगी, सेक्शंस भी हो जाएंगे जो पूरा CA एक्ट में कवर्ड है। और आजकल इंस्टीट्यूट यहां से भी क्वेश्चन पूछ रही है, ना कि सिर्फ क्लॉज से पूछ रही है, तो आपको वो सारी चीजें भी कवर करना जरूरी है। इसलिए आप अगर इसको देखें, इंस्टीट्यूट ने ही प्रोवाइड कर रखा है ये प्रेजेंटेशन और ऑडियो, और ये मैं बता रहा हूँ ये दो चैप्टर्स अगर आप इसी से देखेंगे तो आपको बहुत अच्छा फील आएगा, क्योंकि ये बहुत अच्छा आपके कोर्स में डले हुए हैं इंस्टीट्यूट के द्वारा, स्टैंडर्ड्स प्लस एथिक्स, और ये ऑलमोस्ट आपका 40-50 मार्क्स कवरेज दे देते हैं, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। उसके बाद हम देखते हैं, ये तो हो गया कि आपको पढ़ना अगर नहीं समझ में आ रहा है तो आपको समझना कैसे, यहाँ पे आप जाके देख सकते हैं। उसके बाद अब आते हैं एग्जाम ओरिएंटेड बात में कि हमें मार्क्स कैसे स्कोर करना है ऑडिट में। ऑडिट में देखिए आप दो लोगों की बहुत अच्छी फेमस बुक है, और बहुत सी बुक्स फेमस है, बट जो मेरे को जो अच्छी लगती है मैं वो आपको बता रहा हूँ कि दो लोगों की बुक जो मेरे को बहुत पसंद है, एक तो पंकज गर्ग सर की बुक और एक सुरभि बंसल मैम की बुक। तो आप दोनों में से कोई सी भी बुक फॉलो कर सकते हैं, दोनों ऑलमोस्ट सेम ही है, थोड़ा बहुत कम ज्यादा इधर उधर होगा, बाकी ऑलमोस्ट सेम है। पंकज सर की बुक भी बहुत अच्छी है और सुरभि मैम की बुक भी बहुत अच्छी है। तो आप कोई भी अगर बुक फॉलो कर रहे हैं तो अब उस बुक को पढ़ना कैसे है ये मैं आपको बताता हूँ। देखिए आपको वो जो बुक पढ़नी है वो सिर्फ एक बार पढ़नी है, ऐसा नहीं है आपको वो याद करना है। तो उसके लिए मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि एक ही बार पढ़ोगे तो आपको सब कुछ याद हो जाएगा। अब मैं बताता हूँ क्यों मैं बोल रहा हूँ कि एक बार पढ़नी है। वो जो एक बार जब आप पढ़ोगे तब आप जितनी पूरी मेहनत एक बार पढ़ने में लगाए हो उसको आप रिकॉर्ड करके रख लोगे एज अ ऑडियो, और उसके बाद अगली बार जब भी आपको वो बुक पढ़ना रहेगा तो आप बुक की रीडिंग नहीं करोगे, आप बुक को सामने रखोगे, कान में हेडफोन्स लगाओगे, आप उस ऑडियो अपने ऑडियो को सुनोगे और बस पेजेस टर्न करते जाओगे। ये अप्रोच रहेगा हमारा ऑडिट का। देखिए ये मैं आपको बता देता हूं कैसे होता है ऑडिट में। मेरी रिकॉर्डिंग थी टोटल 6 आवर्स की मेरी रिकॉर्डिंग हुई थी, पूरा ऑडिट मतलब A to Z, एक एक क्वेश्चन जितने भी है वो सारे के सारे मैं 6 घंटे में रिवाइज कर सकता था ऑडिट को, और इनफैक्ट इससे भी कम टाइम में, क्योंकि 6 आवर्स तो ये तो मेरी रिकॉर्डिंग की टाइम है। उसके बाद अगर इसको और कम कर सकते हैं हम, क्योंकि स्पीड बढ़ा के सुन सकते हैं, हमारी आवाज हमें और स्पीड में भी समझ में आ जाती है। तो अगर हम देखें, जैसे मैं आप बताता हूं एसेज के हर एसेज का एक ऑडियो है, और अपनी बुक में जो भी मेमोरी टेक्निक्स है वो मैंने उसमें साथ में रिकॉर्डिंग किया है ताकि मेमोरी टेक्निक्स भी मेरे को याद होते जाए। प्लस आप क्या करेंगे कि जितने भी प्रैक्टिस मैनुअल के क्वेश्चंस है तो अपनी ही बुक में, आप चाहे पंकज गर्ग सर की बुक या सुरभि मैम या तो कोई भी आप जो भी बुक फॉलो कर रहे हैं, उस बुक में प्रैक्टिस मैनुअल के जो भी क्वेश्चंस है उसको अपनी बुक में ही मार्क कर लेंगे। आप इसमें आधा दिन डिवोट करिए जिसमें कि आप सिर्फ प्रैक्टिस मैनुअल के एक एक क्वेश्चन को देखते जाइए और अपने बुक में कहां पे है उसको लोकेट करके मार्क करिए। देखिए आप फिर इससे क्या होगा कि आप सिर्फ एक ही बुक फॉलो करना जो कि रहेगी जो आप फॉलो कर रहे हो जो भी ऑथर की, और मैं बोलूंगा आपको इसमें आप ऑथर की बुक ही फॉलो करें क्योंकि सिंप्लीफाइड मैनर में इन्होंने दिया है आपको, तो आप क्यों ना उनकी मेहनत को यूज करें। तो आप कोई एक ऑथर की बुक लीजिए और उसमें ही मार्क करिए।
प्रैक्टिस मॉडल में ये चीजें पढ़ना बहुत कंबरसम हो जाता है, इससे तो बेटर है कि आप प्रैक्टिस मॉडल के क्वेश्चंस को मार्क कर लीजिए और उसी बुक में से ही एक ही बुक से पढ़ाई करिए, ठीक है। अब वो जो एक बुक फाइनल हो गई उसमें आपने मार्क भी कर लिया, उसके हर एक चैप्टर के आपके ऑडियो नोट्स तैयार है। ऑडियो नोट्स कैसे बनाना है आप टेंशन मत लीजिए, कैसे भी बन रहे होंगे, आपको जस्ट आपको समझाना है, आप ऐसे बोल अपना रिकॉर्डर ऑन करके ऐसे बात करना जैसे कि आप किसी बच्चे को समझा रहे हैं, और बस आप अपने मोबाइल को समझाते जाइए वो सारी चीजें। आपको स्टार्टिंग में थोड़ा सा डर लगेगा, रिकॉर्ड करने में थोड़ा सा खराब ऑडियोज बनेंगे, पर आप टेंशन मत लीजिए, दो चार ऑडियो रिकॉर्ड करने के बाद आपका फ्लो आ जाएगा, उसके बाद आप फ्लुएंटली आप ऑडियोज रिकॉर्ड करते चले जाएंगे। और ये एक बार की मेहनत है, ये 8 दिन जो मैं आपको बताया फर्स्ट साइकिल, इसमें अगर ये मेहनत खत्म हो गई उसके बाद के सारे रिविजन में ये आपको इतनी काम आएगी कि आप हाफ डे में पूरा कोर्स रिवाइज करके बैठ जाएंगे, उसके बाद बोलेंगे हाँ चलो हम रिटर्न प्रैक्टिस करते हैं या पेपर सॉल्व करते हैं या आरटीपी सॉल्व करते हैं या मॉक टेस्ट पेपर देते हैं। अगर आप ये चीज की अगर पूरा टाइम लगा देंगे तो ये सब चीजें कब करेंगे, आरटीपी मॉक टेस्ट ये सब रिटर्न टेस्ट कब देखेंगे, उसके लिए आपको ये टाइम रिड्यूस करना बहुत जरूरी है। इसलिए ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप टेक्नोलॉजी का मदद लीजिए, जब टेक्नोलॉजी इतना सब कुछ प्रोवाइड कर रही है तो उसको क्यों ना यूज करें हम। तो यहाँ पे जैसे कि 240 ऑडिटर्स रिस्पांसिबिलिटीज रिलेटिंग टू फ्रॉड इन एन ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, इसमें जो सबसे पहले तो इंटेंशनल एक्ट होता है फ्रॉड, तो दो ऑडिट की दो तरीके की स्टेटमेंट को चेक करता है, एक तो फ्रॉडुलेंट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग और एक मिसअप्रोप्रिएशन ऑफ एसेट्स। फ्रॉडुलेंट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग जो जो 6 कारणों से होता है, तो उसके लिए फिक्टिशियस जनरेटिव से अजम्पशन कंसील कोमेट कॉम्प्लेक्स एंड ऑल्टर हो जाती है कोका कोला। तो फिक्टिशियस जनरेटिव सबसे पहले जो है कि अगर आप देखो इस तरीके से आप याद कर सकते हैं, मैंने एक कोका कोला करके एक एंग्रोनिम बनाया जिससे कि मैंने उस पूरे क्वेश्चन को क्वेश्चन के जितने भी पॉइंट्स थे उसको डिवाइड कर दिया और उस तरीके से मैंने उसको याद किया, उसको रिकॉर्ड करके रख लिया। अब मैं उसको जितने बार सुनूंगा मेरे को रिवाइज होते जाएगा। और ये ऑडियो देखिए ये 4 मिनट का ऑडियो है, 4.21 मिनट्स का, 4.5 मिनट मान लीजिए, 4.5 मिनट में आपका ऐसे 240 कंप्लीट ए टू जेड रिवाइज हो जा रहा है। और ये 4-4.5 मिनट भी नहीं लग रहा, देखिए मैंने स्पीड क्या किया था, 1.28 कर दिया था, तब भी मेरे को पूरा समझ में आ रहा था। तो इसकी स्पीड मतलब इस स्पीड बढ़ाने के कारण ये क्या होगा कि ये 3 मिनट 3.5 मिनट में खत्म हो जाएगा, मतलब हम मैंने पूरा एक ऐसे कंप्लीट कर लिया 3 मिनट। तो इस तरीके से जब आप पूरा कंप्लीट प्रिपेयर कर लेंगे तो ये आपका कंप्लीट मेरा एसेस का जो टोटल सारे एसेस कवर्ड हो गए थे, एसआरई एसआरएस सारे कंप्लीट कवर्ड है। और ये सारे मेरे कितने देर में हुए, 187 मिनट्स में हो रहे हैं, ये मेरे 187 मिनट्स में सारे एसेस खत्म। मतलब इसको मैं और स्ट्रीम डाउन करूं कम करके तो ये 150 मिनट में खत्म हो जाएंगे मेरे सारे एसेस। इस तरीके से मैं सब चैप्टर्स की क्रिएट कर लिया, ये मेरे बेसिक्स के चैप्टर के बेसिक्स में ऑडिट स्ट्रेटजी रिस्क असेसमेंट सॉक्स सीआईएस एनवायरमेंट इनके ऑडियोज टोटल मिला के 75 मिनट्स में सारे चैप्टर्स कवर्ड। कंपनी ऑडिट के सारे कारों, उसके बाद डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑडिट, कॉस्ट ऑडिट, टैक्स ऑडिट। देखिए टैक्स ऑडिट बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बच्चे ये जो अदर ऑडिट्स है इसको छोड़ के चले जाते हैं, जबकि ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑडिट्स और ये बहुत कवरेज करते हैं। 40 मार्क्स जो कवरेज है वो तो यहीं से होता है, जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑडिट है या डिफरेंट एंटिटीज के ऑडिट है, तो ये सब भी बहुत इंपॉर्टेंट है। NBFC, मेंबर ऑफ स्टॉक एक्सचेंज, PSU, तो ये सारे बैंक ऑडिट, ये सारा चीज हमें याद करना पड़ेगा। तो उसके लिए आप एक ही ऑप्शन है आपके पास, आपको उसको पढ़ना ही पड़ेगा कैसे भी करके और उसको पूरा रटना ही पड़ेगा। तो उसके लिए आप यही आपके पास ये बहुत अच्छा ऑप्शन है कि आप उसको रिकॉर्ड कर लीजिए और सुनते रहिए। आप कहीं भी घूमने जा रहे हैं तो हेडफोन्स लगा लीजिए, सुनते रहिए, तो आपको धीरे धीरे करके जैसे आपको गाने याद हो जाते हैं वैसे आपको सारे प्रोविजन याद हो जाएंगे ए टू जेड। इस तरीके से आपका कंप्लीट रेडी होएगा ऑडिट। देखिए ऑडिट के लिए मैं डिटेल में आपको बताया कि कैसे क्या क्या करना है, क्योंकि ऑडिट में बहुत दिक्कत आती है, इसलिए आप इसी तरीके को ही फॉलो करिए। उसके बाद आप यहाँ पे प्रैक्टिस के लिए रवि सर का यूट्यूब में एग्जाम एनालिसिस है ऑडिट का, वो देख सकते हैं, उसके थ्रू आप एक फ्लो में आ सकते हैं। और आप अमेंडमेंट जो भी रहते हैं उसके लेक्चर भी आपको मिल जाएंगे। उसके बाद अमित सर के आपको यूट्यूब में रिविजन लेक्चर्स भी मिलेंगे, वो भी बहुत अच्छे रिविजन लेक्चर्स हैं, आप उसको भी देख सकते हैं। उसके बाद असीम सर के भी रिविजन लेक्चर्स आते हैं, उनको भी देख सकते हैं। उसके बाद आते हैं हम लॉ में। आप देखिए लॉ में आपको करना क्या है, लॉ में आपको एक अलग से एक नोट्स की कॉपी बनानी है जिसमें कि आप सेक्शन वाइज हर चीज लिखेंगे,
ठीक है, आपको क्या करना है, सेक्शन वाइज कॉपी बनानी है। हो सके तो ये चार्ट्स बेसिस में, स्वप्निल सर के चार्ट्स अवेलेबल है, तो चार्ट्स में ऑलरेडी सेक्शन वाइज दिया हुआ होता है, तो आपकी कुछ मेहनत उससे बच जाएगी, पर फिर भी आपको एक कॉपी में अपने हिसाब से हिंदी इंग्लिश यूज करते हुए आपको अपने नोट्स बनाने हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये 8 दिन इसी में ही डिवोट करिए नोट्स बनाने में, क्योंकि यही आपको एंड टाइम में काम आएंगे, और यही तरीका है इस लॉ को याद करने का भी, समझने का भी, क्योंकि आप जब लिखेंगे एक एक नोट्स बनाएंगे तो आपको अच्छे से क्लियरिटी समझ में आएगी हर एक चीज की, हर एक प्रोविजन का इन डेप्थ आप जा पाएंगे। उसके लिए आप हेल्प लेने के लिए क्या क्या कर सकते हैं ये बता दो। आप स्वप्निल सर के रिविजन वीडियोज है जो यूट्यूब में डले हुए, वो देख सकते हैं, बहुत ही अच्छे वीडियोज है, बहुत ही अच्छे वीडियोज। अगर आपकी कोचिंग नहीं हुई है तो भी अगर आप उसको 2-3 बार देखेंगे तो आपको 100% कवरेज मिल जाएगा, समझ में आ जाएगा। उसके बाद अपनी सेल्फ स्टडी से थोड़ा बहुत और आपको पढ़ना पड़ेगा और आपका कोर्स कंप्लीट हो जाएगा। तो आपको जरूर ही करना है इस टाइप की रिविजन वीडियोस, देखना ही है। चालू करने से पहले, इस 8 दिन के चालू करने के पहले, शुरू के 2 दिन सिर्फ रिविजन ऑडियोज देखिए, और फिर उसके बाकी के दिन आप अपने नोट्स बनाइए, प्रैक्टिस मैनुअल देखिए, क्वेश्चंस प्रैक्टिस करिए, ठीक है। अब इस लॉ में स्ट्रेटेजी क्या रहेगी, रिकॉर्डिंग वाली स्ट्रेटेजी मेरी बहुत ही, मेरे को तो बहुत ही पसंद है ये, इसलिए मैं तो हर सब्जेक्ट में रिकॉर्डिंग वाली फैसिलिटी करता था। तो अब आपको यहाँ पे देखिए, मेरा रिकॉर्डिंग किया हुआ है लॉ का 7.5 आवर्स का, मतलब कंपनी लॉ 4.5 आवर्स में कंप्लीट A to Z एक एक प्रोविजन इन डिटेल मैंने रिकॉर्ड किया था, जिसको मैं सुन सुन के याद करता था। यहाँ पे देखिए, हर एक चैप्टर्स के आपको यहाँ पे रिविजन ऑडियोज देखने को मिलेंगे, डिविडेंड कंपनी का, उसके बाद अकाउंट्स वगैरह, मैनेजर रेम्यूनरेशन, हर एक का बोर्ड मीटिंग जो भी हो सब का आपको यहाँ पे एक एक ऑडियो मिलेगा। इस टाइप के चैप्टर्स में जो वाइंडिंग अप, ऑपरेशंस, ये सब के भी अलग अलग ऑडियोज आप क्रिएट कर लीजिए, ये कंप्लीट आपके बन जाएंगे लगभग 4.5 घंटे में, मेरे बने, आप अपने हिसाब से कम ज्यादा जो भी हो सकता है। वैसे ही अलाइड लॉ के भी 3 आवर्स के मेरे ऑडियो बने थे, तो आपके वो कम ज्यादा जा सकते हैं। तो टोटल कुल मिला के क्या हुआ कि 7.5 घंटे में कंप्लीट लॉ रिवाइज हो सकता है। आप चाहे तो एक दिन में पूरा सिलेबस 2 बार भी रिवाइज कर सकते हैं इस ऑडियोस के जरिए, ठीक है। ये आपकी एफिशिएंसी बढ़ जाएगी इस ऑडियोस से, जो पहले आप अगर एक एक दो दो दिन में जाके रिवाइज कर पा रहे हैं, वो चीज आप विद इन अ डे 2 बार कर लेंगे पूरा कोर्स, तब तो अगर इसमें आपका टाइम वेस्ट होता रहेगा तो आप बाकी चीजें नहीं कर पाएंगे। इसलिए मैं ये सारा टाइम रिड्यूस करके आपको बाकी चीजों के लिए टाइम दे रहा हूं, ताकि आप अच्छे से प्रैक्टिस कर पाए, इसमें टाइम वेस्ट ना हो और आपको याद हर चीज हो जाए कंप्लीट। अगर आप इसको फॉलो करेंगे तो आपको 100% एक एक प्रोविजन, एक एक वर्ड टू वर्ड, क्या कितना टाइम पेनल्टी है, क्या है, सब कुछ रट जाएगा। इट विल टेक टाइम, बट एक बार, जितने बार आपकी प्रैक्टिस होगी, जितने बार रिवीजन होगा, आपको याद होता चले जाएगा। उसके बाद यहाँ पे आपको, हाँ, इसमें आप अगर हेल्प लेना चाहें कुछ समझने के लिए, तो इंस्टीट्यूट के जो प्रेजेंटेशंस है, तो वो लॉ के भी बहुत अच्छे प्रेजेंटेशंस है, तो लॉ के प्रेजेंटेशंस के लिए आप यहाँ पे हेल्प ले सकते हैं इंस्टीट्यूट के प्रेजेंटेशंस और ऑडियो का। आपको बता दिया हूं कि कहां से करना है, आपको पॉडकास्ट डाउनलोड करके और फिर उसको स्पीड में करके सुनना है, नहीं तो आप बोर हो जाएंगे, ठीक। तो ये तो था कंप्लीट आपके लिए कि कैसे क्या क्या रहेगा हर सब्जेक्ट में, कैसे पढ़ना है। देखिए, अब आपका टोटल 8 साइकल्स हो गया, 8, 5, 3, 2 के 4 साइकल और 1। अब आपको समझ गया है कि 2 दिन में कैसे करेंगे, 1 दिन में कैसे करेंगे, अब तो आपको क्लियर होगा। प्रैक्टिस मैनुअल को भी कंप्लीट 1 दिन में कवरअप करना है, लास्ट डे भी प्रैक्टिस मैनुअल भी करके जाना है, हर एक क्वेश्चन, ना कि सिलेक्टिव सिलेक्ट करे हुए, मार्क करे हुए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं, हर एक क्वेश्चन करके जाने। और कैसे कर पाएंगे उसका डाउट मैंने आपको क्लियर कर दिया कि कैसे लोग कर सकते हैं, मैंने आपको दिखाया भी कैसे ऑडियोज क्रिएट हुए थे और कितने घंटों में ऑडियोज खत्म हो जा रहे थे। तो ये है टेक्नोलॉजी की मदद से सीए फाइनल को क्रैक करना, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको यूज करिए, और इसी बार नवंबर 18 में आप अपना ग्रुप क्लियर करके सीए बनिए। मेरे बेस्ट विशेस हैं आपके साथ, और लास्ट में ये बात तो ध्यान रखिए कि ये जो प्लान मैं बनाया हूँ बहुत ही सोच समझ के बनाया हुआ प्लान है, अगर आप इस प्लान से स्टिक रहेंगे, अगर आप इस प्लान से स्टिक है, या फिर अगर आप कोई अपने दूसरे कुछ प्लानिंग कर रहे हैं, चेंजेस कर रहे हैं, मॉडिफिकेशन कर रहे हैं, आप जो भी प्लान कर रहे हैं, एक बार वो प्लानिंग सेट हो गई ना, अब